ये है इतिहास का सबसे अमीर आदमी जिसकी संपत्ति के सामने जेफ बेजोस और एलन मस्क भी फेल हैं। इतिहास में कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिनकी दौलत का आकलन अगर आज के हिसाब से किया जाए तो वो इन रईस लोगों से काफी अमीर होंगे। जी हाँ, उनके पास आज के धन कुबेर कहे जाने वाले शख्स से काफी ज्यादा दौलत है। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में पूछा जाए तो हर कोई जेफ बेजोस, एलन मस्क, मुकेश अंबानी या बिल गेट्स का नाम लेगा। वैसे आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये लोग ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनकी दौलत का आकलन करना इन रईस लोगों से काफी अमीर पाए जाएंगे। जी हाँ, उनके पास आज के धन कुबेर कहे जाने वाले शख्स से काफी ज्यादा दौलत थी। आप भी ये देखकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन कई इतिहासकारों की किताबों में ये दावा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये शख्स है कौन जिसके पास अंबानी और बिल गेट्स से भी ज्यादा पैसा है। शख्स का नाम है मनसा मूसा, जिसका जन्म 1280 में माली देश में हुआ और वो वहाँ का राजा था। शख्स से जुड़ी हुई कई दिलचस्प बातें हैं जैसे कि आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो में। तो आखिर कौन है मनसा मूसा? अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला माली साम्राज्य का राजा मनसा मूसा। इस राजा ने करीब 1312 से 1337 तक शासन किया और यहीं से इसने अरबों की संपत्ति जुटा ली। कहा जाता है अगर मूसा जिंदा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान होता। 13वीं सदी के इस राजा का पूरा नाम था मूसा कीटा प्रथम, जिन्हें बाद में मनसा कहा जाने लगा। उस वक्त बादशाह के लिए मनसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उस दौरान आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गीनिया, बुर्किनिया, फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा थे। मनसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करता था और उस वक्त अन्य हिस्सों में सोने की काफी डिमांड थी, जिस वक्त उसके पास बहुत पैसा था। कहा जाता है कि वो अपने काफिले के साथ ही कई किलो सोना लेकर चलते थे। इतना ही नहीं, सोना बांटते भी थे। जिसके पास दौलत हो उसे दौलत लुटाने का हक होता है, इसलिए मनसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाते थे। तो आखिर कितनी दौलत थी मनसा मूसा के पास? हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना मुश्किल है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मनसा मूसा के पास 400,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। इस हिसाब से वो आज के वक्त में मानव इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मक्का यात्रा की एक कहानी काफी मशहूर है। दरअसल साल 1324 में मूसा 6,500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए निकले थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनके काफिले में 60,000 लोग थे। इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे। 500 लोगों का दस्ता चला करता था जिनके हाथ में सोने की छड़ी थी। इस कारवे में 80 ऊंटों का जत्था था जिस पर 136 किलो सोना था। मनसा मूसा इतने उदार थे कि वो जब मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके पर बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। और दोस्तों, मनसा मूसा आज अगर जिंदा होते तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स होते। राइटर ग्रेग ने 2015 में मनसा मूसा को अपनी किताब द रिचेस्ट मैन हू एवर लिव्ड में इतिहास का सबसे अमीर आदमी बताया था। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।